गाइस देखिए हमारे घर का पंखा साफ करने वाले आ गए हैं और ये वाला पंखा साफ करेंगे, ये ऊपर जो दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो और हमारी दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही। तो आज मैं जा रही करेले भर के बनाने। तो मैंने बहुत सारे काटे हैं टमाटर, ये प्याज मम्मी ने काटा है, और ये अदरक, ये हरी मिर्च, सभी लहसुन डालूंगी। आपको बता दूं कि मैं ये जो है ना पीस के नहीं बनाती, प्याज और टमाटर को घीस के बनाती हूँ। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्वाइकल की वजह से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, घीसूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ ऐसी चीज़ें जिससे कुछ प्रॉब्लम हो और मेरा काम भी हो जाए। और मम्मी को भी थोड़ी दिक्कत रहती है, थोड़ी क्या, उनको सर्वाइकल की दिक्कत बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा ठीक है, कंट्रोल में है, तो नहीं चाहती कि वो उपटे, तो इसलिए काट लिया। और मेरा रफली मैंने करेला उबाल लिया था, ये मैंने रफली करेले उबाल लिए हैं और उसको काट के इसका जो बीज है वो बाहर कर लूँगी। गरम है, निकाल रही हूँ ऐसे ही, ऐसे सब निकाल लूँगी, फिर बीज निकाल के तब उसको भून के बनाऊँगी। और इधर एक साइड मेरा चाय चढ़ गया है, अभी रोटी बनानी है। बाबू को स्कूल मैंने भेज दिया, शक्ल नहीं दिखा रही, बहुत गंदी हो गई है। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ, साथ में ये सारा काम भी चल रहा है। तो लगभग और सारे रूम के नीचे की सफाई हो गई थी, मम्मी वाले ड्राइंग रूम और ये रह गया था, और एक जो जिसमें मैं पहले रहती थी वो वाला रूम रह गया था, उसमें हम लोग लग गए कि चलो इसे भी साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ। तो यहाँ पे हम साफ़ कर रहे हैं, स्पेशली हमारा पंखा जो है वो बहुत गंदा होता है इस फ्लोर का, बिकॉज़ यहाँ पर छोंक लगता है ना, तो वो छोंक जो है पंखा चलता रहता है तो वो खींच लेता है उसको, इसकी वजह से गंदा हो जाता है। तो हमने सोचा हुआ था साफ़ करने वाले को बुलाएंगे, बिकॉज़ मेरे हाथ में वही दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा ऊपर तक हाथ करूँगी तो दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप मुझे क्लीनिंग देख रहे हो ना करते, इसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हुई। मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, और इसी वजह से मेरा जो व्लॉग है नहीं आ पा रहा है दो दिन से, और मैं बाद में बताऊँगी क्या हुआ है। और यहाँ पर मम्मी की भी थोड़ी सर्वाइकल की थोड़ी क्या, उनको तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, तो उन्हें भी नहीं करने देती मैं। और यहाँ पे विकास जो है, तीनों ने बोला ठीक है नहीं बुलाओ किसी को, मैं करूँगा। विकास और अभिषेक भी हमारी हेल्प किए क्लीनिंग में, घर को साफ़ करने में। आपको पता है दिवाली में डीप क्लीनिंग ज़रूर होती है, बिकॉज़ कहते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो हमें कोना कोनी जो भी होता है सबको साफ़ करना होता है। तो ये जो हमारा फॉल सीलिंग है ना, इसमें भी ना ऐसे काले काले से ऐसे लग जाते हैं, जिसको झाड़ू से या ऐसे झाड़ने वाले से हटाओ तो वो हट जाते हैं, तो वही सारा हम साफ़ कर रहे हैं। और जब ये रूम साफ़ हो जाएगा उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि ये रूम साफ़ क्लीन करके हमने कैसा किया है। साथ में पर्दे जो हैं कार्टन, वो हमने धोने के लिए डाल दिए हैं, धीरे 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 एक एक करके धुलते जा रहे हैं, क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा हैं तो उनको धुलने में टाइम लगता है, तो एक एक करके वो धुल रहे हैं। उसके बाद मिरर देखा, मिरर गंदा है, फिर ये सब कुछ नीचे, तो धीरे धीरे करके हमने इसे भी साफ़ किया। ये विकास इसी से कर दे, मैंने बोला विकास न्यूज़पेपर से कर दे, कह रहे नहीं भाभी इससे ज़्यादा अच्छे से होगा। तो ये सब कुछ हटा दिया हमने और फिर ये सारा रूम जो है क्लीन हो गया। करवा चौथ वाला जो दिन था हमारा कुछ ऐसे निकल रहा था, हम पूरे दिन लगे रहे काम में, पूरे दिन नहीं 12 बजे तक। आगे जो हमारे साथ हुआ उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा आज के दिन, बहुत मन दुखी हुआ। तो ये पूरा रूम साफ करते करते फिर करेले की बारी आई कि इसको जो मसाला मैंने भुनने के लिए चढ़ाया था, तो मैं काम कर रही थी साथ में, तो इसको चलो अब बना लेते हैं। तो ये मसाले में मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा धनिया, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लिया, और साथ में दूसरे साइड में चढ़ा लूँगी इसका जो पैन होता है वो, और उसके बाद करेले को भर भर के साथ साथ में ही इसमें डालती जाऊँगी और ये मेरा करेला बन जाएगा। दोपहर में बहुत सारे खाना बनाने के लिए सोचा था कि बहुत कुछ बनाएंगे, आज करवा चौथ है, तो मम्मी से बात भी कर ली थी, मम्मी ने बोला हाँ बना लेना, जो जो मन करता है वो सब बना लेना। मैंने बोला ठीक है,
बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दी आपने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। तो गाइज़ मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है किसी वीडियो में कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हूँ और नहीं रखूँगी। तो आप लोग पता नहीं फिर क्यों मुझसे पूछ रहे हो, लगता है कि आपने वो व्लॉग नहीं देखा या फिर वो पार्ट स्किप कर दिया है कि मैंने ऐसा कुछ बोला हुआ है। तो प्लीज़ आइए देखिए। और कुछ लोग लगेगा शायद पता नहीं ये जानबूझ के इसलिए वीडियोज़ आज का नहीं डाल रही थी, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि मैं व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना सोची थी कि आज थोड़ा सा रेडी वेडी होंगी, सब कुछ ये सब करूँगी ऐसे। फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई और मैं थोड़ी सी मतलब लो से फील करने लगी। तबीयत क्या ख़राब हुई अचानक से, कौन सी तबीयत ख़राब होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा। तो यहाँ पे अब इस रूम में आ गए हैं जिसमें मैं पहले रहती थी। तो इसमें हम कुछ ये सारे सामान जो होते हैं इनको ऐसे रखे रहते हैं, तो इसको क्लीन कर रहे थे और सारा सामान जो है वो इकट्ठा एक साइड कर देंगे। फिर ये रूम जब क्लीन हो जाएगा तो ये रूम जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हमने जो आज काम की शुरुआत थी ना वो सुबह सुबह ही बिल्कुल कर दिया था, किसके साथ ही मतलब नाश्ते बन रहे थे उसके साथ साथ ही, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी से हो सके। अब मैंने आपको बताया था ना कि पर्दे हमारे धुल रहे थे, तो ये धुलते गए और उसको साथ में साइड बाय साइड हम दोनों मिलके सास बहू इनको लगाते गए। और आपको पता है गाइस अभी थोड़ा सा टाइम है दिवाली की, बट ये सब जो क्लीनिंग है अगर धीरे धीरे करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिकॉज कि क्या होता है ना हमारे मतलब कि किसी के भी घर में कि हम क्लीनिंग करते जाते हैं, लेकिन दीपावली छठ पूजा जब तक ख़त्म नहीं होता ना हमारे घर का काम नहीं ख़त्म होता। हम छठ पूजा तक हमारे घर का काम होता ही रहता है, छठी मैया जब विदाई हो जाती हैं तब जाके काम हमारा ख़त्म होता है, तब हम अस्थिर होते हैं। वरना दिवाली के पहले से हम ऐसे ही लगे रहते हैं। जिनके घर में छठ पूजा होता होगा ना उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या क्या करना होता कैसे करना होता है। तो अब जो है हमारी सफाई लगभग थोड़ी कंप्लीट हो गई है। और अब आप ये रो वाला रूम देखिए, इसको हमने सारा सामान जो है इसको एक साइड ऐसे इकट्ठा कर दिया है सब कुछ झाड़ झूड़ के। ये अभिषेक आपको दिख रहे हैं और ये रूम जो है क्लीन हो गया। अब सेकेंड रूम देखिए, ये यहाँ पे जो बास्केट होता है ना फ्रिज का सबसे नीचे वाला सब्जी वाला वो वाला बास्केट है, तो ये निकल गया था यहाँ से, टूट गया था। तो फेविक्विक से मैंने इसे जोड़ा, वो भी मेरा हाथ भी चिपक गया उसी में ही। आपको पता है वो बहुत सावधानी से करना होता है। और उसके बाद जब मैं घर में थी तब मेरे पास मैसेज आया बस का जो होता है मैसेज, स्कूल बस का, उसका मैसेज आया कि अभी आप बस जो है आज वो लेट निकलेगी। तो मैं सोच में पड़ गई क्यों लेट निकलेगी। तो मैं सोचती रही। फिर उसके एक घंटे बाद मेरे पास कॉल आया कि क्लास टीचर का कि समृद्ध को चोट लग गई है। फिर उन्होंने बताया कि उसके फोरहेड पे चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है। तो मतलब ये सुनते ही मैं क्या बोलूँ, मेरा बिल्कुल होश ही उड़ गया, दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ क्या रिएक्ट करूँ। मैडम जो है वो बोलने लग गई मुझे, मेरी आवाज़ से मैं पूछने लग गई तो कि आप ज़्यादा पैनिक मत होइए, ज़्यादा नहीं लगी है, वो ठीक है ऐसे बोल रही थी। मैंने फ़ोन कट किया। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी को कैसे बताऊँ। इसी रूम में मम्मी ना ये चादर ठीक कर रही थी, मैं चुपचाप आके वहीं पर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद बताया मैंने मम्मी को तो मम्मी भी बिल्कुल रोने लग गई, हम दोनों बहुत रोए। फिर हम जल्दी जल्दी गए बस स्टॉप पर। पापा जी हमें देखते ही बिल्कुल वो हो गए कि ये लोग क्यों आ रही है, वो समझे कि ज़रूर कोई बात है। फिर मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे हुआ है, पापा जी बिल्कुल परेशान, फ़ोन लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे वैसे। मतलब आपको पता है ना कि जब तक हमें पता नहीं होता कि हमारे सामने जो चीज़ नहीं होता फिर हम उस चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी होती है। जब हम आँखों से देख लेते तब जाके तसल्ली होता है। तो वही बात थी कि जब तक देखे नहीं थी ना, मतलब मैं तो रोए जा रही थी, मेरा बुरा हाल हो गया। फिर जैसी बस आई वो मैडम लेके आई और उन्होंने मुझे समझाया ऐसे ऐसे। फिर वो जो ड्रेसिंग किया हुआ था ना उसके फोरहेड पे देख के मतलब तो बिल्कुल दिमाग ख़राब कि ड्रेसिंग तक करना पड़ गया। तो वो चोट एक बच्चे से लग गई थी उसको, छोटे बच्चे हैं हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। वो बैग जो है अपना मूव कर रहा था उसमें से बॉटल उसके बाबू के सर पर आके लग गई। फिर पापा जी बहुत गुस्सा हुए थे, हमने सोचा इनको नहीं बताएंगे, लेकिन फिर फ़ोन आया तो बाबू ने खुद ही बता दिया। बोला मैंने कि पेन हो रहा है तो कह रहा है नहीं इतना ढीठ है। मम्मी ने बोला उसको पेन ही नहीं हो रहा होगा, आइस के पास लगी है उसके। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको पेन किलर दिया। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन दोपहर का टाइम था, अभिषेक भी थे, खाना बनाने के लिए खिलाने के लिए तो और भी सब खाना वाना बनाना था। फिर मैं आ गई किचन में, मम्मी ने बोला तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है, जाओ तुम, मैं बना लूँगी। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं बना लूँगी। बहुत कुछ सोचा था बनाने के लिए, पकौड़े वगैरह भी, लेकिन
कुछ नहीं कर पाई मैं, मेरा दिमाग इतना ख़राब था ना कि मैं कुछ भी, मेरे साथ यही होता है बाबू को जब भी कुछ होता है ना तो ऐसी टेंशन होती है मुझे कि मुझसे उठा ही नहीं जाया जाता, शायद हर माँ के साथ ऐसा होता हो बट मुझे नहीं पता। तो मैंने खीर बनाया, मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद चावल बनाया इस टाइम कि चावल अभिषेक खा लेंगे, तो वो सब्जी चावल खा लिए और पनीर की सब्ज़ी बना दी। कुछ भी रेसिपी वगैरह नहीं शेयर कर रही मैं आप लोगों के साथ। मैंने ये कैमरा ऑन करके बस रख दिया है कि ओवर वॉइस जो है मैं कर दूँगी कि आज का जो मतलब कि आप लोग मुझसे ब्लॉग पूछोगे ही कि क्यों नहीं डाला क्या नहीं डाला, तो वही बात हो भी गई, आप लोग पूछ भी रहे हो। तो यहाँ साइड में मैं खीर बना रही हूँ। तो रात को जब आटा सान के रख दिया था, आटा मम्मी ने गूंदा था क्योंकि मेरे हाथ में आपको पता है बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मम्मी ने बोला, मैं मुझे पता भी नहीं चला, मैं आके ऐसे लेटी हुई थी तो बाबू को लेके, तो मम्मी ने गूंद दिया था। फिर शाम को हमने उसकी पूरी बनाई और ये था कि खीर और सब्ज़ी जो थी काफ़ी अच्छी हुई थी, सब पूछ रहे थे। मुझे बस डर था कि थोड़ी मिर्ची हो गई, लेकिन पतिदेव जी ने कहा कि नहीं अच्छी हुई है, उनको काली मिर्च से बस प्रॉब्लम होती है। और बाबू को फिर जैसे ही सब आए एक एक करके सबका दिमाग ख़राब देख के कि बाबू को ये क्या हो गया क्या हो गया, मतलब सब परेशान हो गए। फिर बात हुई कि स्कूल में जाएंगे, लेकिन मैं मन में सोच रही थी कि बच्चे बच्चे हैं, हम किस बच्चे को ब्लेम कर सकते हैं, हम किसी को नहीं बोल सकते हैं, इंटेंशनली तो नहीं किया होगा। बट हाँ, फिर भी मिलने की एक बार ज़रूरत है कि मतलब टीचर्स जो हैं उनका भी ध्यान रहे। और ये छुट्टी होने के बाद हुई है उसके साथ, जिसकी वजह से उन लोगों को भी बहुत दुख था, बहुत बुरा लगा था। वो टीचर भी हमसे बात की थी, सब लोग हमसे बात किए थे। फिर उसके बाद ये जो है मटर, आप लोग कहते हो ना पनीर धो के नहीं डालते, हम धो के डालते हैं, कभी आप देखते हो कभी नहीं देखते हो इस वजह से। तो ये मटर जो है फ्रोज़न वाला है तो मैंने पहले ही डाल दिया ना कि थोड़ा सा और अच्छे से वो पक जाएगा। तो ये था करवा चौथ का दिन, जिस दिन मैं बहुत रोई हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं पहले भी मतलब क्या बताऊँ, मैं कुछ ऐसी बातें होती ना जो हम नहीं बता पाते हैं, बस उसको जैसे हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते या फिर वैसे किसी को नहीं बता सकते, बस वो तकलीफ़ वो दर्द सिर्फ हमारे अंदर रहता है, तो ऐसा कुछ है मेरे साथ। तो ये पता नहीं क्यों मैं, मेरे साथ हो ही जाता है। अब ये आज के दिन व्रत था, मैं इतनी खुश थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था और एकदम से ऐसा न्यूज आया कि मैं बस, मैं सच में बहुत रोई हूँ। मेरी आँखों को देख के आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियोस फ़ोटो में कि मेरी आँखें जो है सूजी सूजी सी है, तो वो रोने की ही वजह से ऐसी हुई है। बहुत ज़्यादा मैं रोई थी, मम्मी ने फिर समझाया कोई बात नहीं बच्चे हैं हो जाता है। अरे मत उठाओ बच्चे का, रुको, तुम इनको बेचैनी रहती है। कैसे आपने चोट लगाई बच्चा? ऐसे मत करो बेटा, दर्द होगा आपको। इधर आओ, लगा दूं। इनको बेचैनी सी लगी हुई थी, कब से हटाऊं? मेरे को पता है ठीक है। अब छोड़ दो, छोड़ दो। इधर आओ। पापा ने आराम से निकाल। आज तो मैचिंग मैचिंग हो गए पापा बच्चा में। ये देखो पढ़ रही है, देखो वो पढ़ रही है, देखो मम्मी पढ़ रही है। पढ़ो 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 पढ़ो।
लगा मिर्ची, ये ले मीठा 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 मीठा, तीखा नहीं लगेगा, तीखा नहीं लगेगा, तीखा लग गया ना आपको, तीखा लग गया, तीखा लग गया, यही खाओ पनीर, यही लो खाओ, तीखा है ना इसलिए ये ले, खीर खीर लो खीर, रुक जा, हाँ अब मीठा लग गया, तीखा लगेगा लेकिन आपको तीखा ही खाना है ना, ले बड़ा बड़ा मम मम ले।